गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GNDU और सेमेस्टर एग्जाम्स के रिजल्ट के बारे में। अब तक क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं और जो पेंडिंग रिजल्ट हैं वो कब तक पब्लिश होंगे, पार्स कोर्स, CBES, CBGS न्यू, रिपेयर, रिवैल्यूएशन, तो सभी के बारे में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम फाइनल रिजल्ट वाले पेज पर पहुँच जाते हैं। आपने थोड़ा सा नीचे जाना, स्क्रॉल करना है, रिजल्ट वाली सेक्शन में जाके सेमेस्टर सिस्टम न्यू जाने का वहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आप फाइनल रिजल्ट वाले पेज पे पहुँच जाओगे। तो सबसे पहले हम ईयर पे क्लिक कर देते हैं, 2023 को सिलेक्ट कर देते हैं। मंथ पे क्लिक करके दिसंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कोर्स टाइप पर क्लिक करके पास कोर्स की बात करते हैं, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। तो पास कोर्स वाली साइड टोटल 95% क्लासेस के रिजल्ट पब्लिश हो गए हैं और 5% क्लासेस के रिजल्ट ही पेंडिंग हैं, जिसमें रिपेयर वाले भी हैं। तो इनके रिज़ल्ट 31 मई तक पब्लिश हो जाएंगे, जितने भी पेंडिंग हैं। उसके बाद बात करते हैं CBES वालों की, तो इस साइड भी ओवरऑल 95% क्लासेस के रिज़ल्ट पब्लिश हो चुके हैं और पेंडिंग 5% क्लासेस के रिज़ल्ट 31 मई 2024 तक पब्लिश हो जाएंगे। और आप बात करते हैं CBGS न्यू वाले ऑप्शन की, तो इस साइड के रिज़ल्ट पब्लिश लेट होना शुरू हुए थे और अब तक 40% क्लासेस के रिज़ल्ट पब्लिश हो चुके हैं और पेंडिंग 60% क्लासेस के रिज़ल्ट 31 मई 2024 तक पब्लिश हो जाएंगे। और जितने भी रिवैल्यूएशन के रिज़ल्ट पेंडिंग है वो 2 मंथ से ज़्यादा का टाइम लेंगे, क्योंकि इस बार रिज़ल्ट लेट थे इसलिए उनके रिज़ल्ट भी थोड़े लेट आएंगे। तो यही अपडेट अभी तक कि 31 मई 2024 तक सभी पेंडिंग रिज़ल्ट पब्लिश हो जाएंगे GNDU और सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू।